स्वास्थ्य विभाग द्वारा केबी उच्च विद्यालय डुमरी के मैदान में शनिवार को आयुष्मान भव स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उप प्रमुख उपेंद्र महतो एवं जीप सदस्य सुनीता देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया, जबकि इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डुमरी डॉक्टर राजेश महतो, डॉक्टर आशीष कुमार, डॉक्टर नीलम बाला एवं डॉक्टर सरोज कुमारी मुख्य रूप से उपस्थित हैं। कार्यक्रम का संचालन HEGB राम ने किया। अपने संबोधन में अतिथियों ने कहा कि डुमरी के ग्रामीण जनता के लिए यह स्वास्थ्य मेला लाभकारी सिद्ध होगा। हालांकि उप प्रमुख एवं जीप सदस्य ने मेले में ग्रामीणों की कम उपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मेला का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर नहीं होने से सार्थकता सिद्ध नहीं हो पाई है। मेले में 16 स्टॉल लगाया गया था। इस दौरान BAM राम प्रवेश, STT ज्ञान चंद महतो, BTT मानिक चंद महतो, BTT FP अर्जुन मोदी, MTC के मालू कुमारी, अमरनाथ पंजियार, विक्की रजक, नागेश महतो, शंकर ठाकुर, सूर्यकांत गुप्ता, कुमारी बिंदु, कंचन कुमारी, ममता कुमारी, रानी कुमारी आदि स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। इसमें आयोजित किया गया है कि गरीबों को मैक्सिमम सुविधाएं हम लोग चिकित्सा संबंधी जितनी सुविधाएं हैं वो दिए हम लोग दे सकें। इसमें विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग का, अंधेपन का, जैसे कि पहले ही हम लोग किसी भी तरह का प्रॉब्लम को हम लोग पहले डायग्नोज कर लें, पहले ही जान लें और पहले उसका ट्रीटमेंट भी हो जाए। मातृत्व स्वास्थ्य का भी स्टॉल लगाया गया है, जिससे कि बहुत सारी महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उनको हम लोग जानकारी दे सकें कि आयरन लेना या खून की कमी से क्या होता है, हर तरह की जानकारी दी जाएगी। एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र ये सब का भी स्टॉल लगाया गया है। पोषण संबंधित, जैसे 5 साल तक के बच्चों में बहुत सारा कुपोषण के कारण बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि यहाँ पे सबको परामर्श दी जाएंगी इस बारे में। आज डुमरी रेफर अस्पताल के बगल में आयुष्मान भवा का मेला लगी है, जिसमें सभी प्रकार की स्टॉल में जैसे बलगम जाते और मातृ सेवा बच्चों की कुपोषित और हर तरह की मतलब स्टॉल में सेवा के लिए हम लोग आयुष्मान भवा से स्टॉल लगाए हैं। और हम यही कहेंगे कि हमको जहाँ तक लगता है कि यहाँ प्रचार प्रसार में कुछ कमी रही है, जो जितना आना चाहिए जितना लाभ लेना चाहिए नहीं मिल पाएगी। और हम आगे यही कहेंगे कि जब भी अगर ऐसी मेला लगती है तो थोड़ा प्रचार प्रसार अच्छी से होनी चाहिए, ताकि गरीब जो भी जिनको समस्या है अपने इस स्टोर से इस मेले से लाभ ले सकते हैं। के बगल में आयुष्मान भवा मेला प्रभारी के द्वारा लगाया गया है और इस मेला में कई तरह के स्टॉल लगाया गया है, जो गरीबों की सहायता स्टॉल के माध्यम से किया जा सकता है। कहीं ना कहीं हम तो प्रभारी जी को बोलेंगे कि यह मेला पंचायत व पंचायत लगाया जाए, ताकि और इससे बेहतर हो सके। साथ ही साथ हमको लगता है कि आज का मेला ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ज़्यादा प्रचार प्रसार करने से ग्रामीणों को तो तरह तरह जो बीमारी है वह बीमारी को इस मेले के माध्यम से इलाज किया जा सकता है।